वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सारी, आप देख रहे हैं सी एस डी वेलनेस। हाजिर हूँ मैं और एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है कि अगर आपको नी पेन है तो काफ़ी सारा पेशेंट पूछता है कि इसमें हम जो है कि कौन सा पानी शिकायत करें, ठंडा पानी से शिकायत करें या गर्म पानी से शिकायत करें। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, इसी के बारे में डॉक्टर अमजद हमारे साथ में हैं। डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट हैं ये, सीनियर कंसल्टेंट। तो ये हमें बताएंगे कि घुटने में अगर दर्द है तो कौन सा शिकायत करें, गर्म या ठंडा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अमजद फिजियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हीट थेरेपी वर्सेस आइस थेरेपी। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो नी पेन होता है, जैसे नी पेन में हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली कंडीशन जो आफ्टर द एज ऑफ 45 के करीब होता है, तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर मुझे हीट थेरेपी देना चाहिए या आइस थेरेपी देना चाहिए। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस कॉन्सेप्ट में आपको हीट थेरेपी देना है, किस कॉन्सेप्ट में आपको आइस थेरेपी देना है। तो जब कभी भी पेशेंट आपके पास आए तो पहले हम देखेंगे उसमें अगर स्वेलिंग प्रेजेंट है, स्वेलिंग आसपास के एरिया पे आपको अगर स्वेलिंग है तो उसमें आपको आइस थेरेपी यूज करना है, चाहे वो क्रॉनिक कंडीशन हो चाहे वो एक्यूट कंडीशन। दोनों कंडीशंस में अगर स्वेलिंग प्रेजेंट है नियर अराउंड रीजन्स पे तो आपको आइस थेरेपी ही देना है। दूसरा हमारा होता है कि अगर उस एरिया पे स्वेलिंग नहीं है और कंडीशंस हमारा क्रोनिक है तो आप हीट थेरेपी दे सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। व्हेन यू अप्लाई द हीट थेरेपी एट द रीजन्स अराउंड द नी तो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हमारा ना इंक्रीज होने लगते हैं कभी कभी। बहुत सारे लोगों को हीट थेरेपी सूट नहीं करती है तो आप वहाँ पे हीट थेरेपी को हटा के आइस थेरेपी यूज करेंगे। कभी कभी कोई पेशेंट आता है उसको स्वेलिंग नहीं है फिर भी वो आइस थेरेपी यूज करता है। अगर स्वेलिंग है आइस थेरेपी यूज कर रहा है, अगर उसका जो पेन है वो सबसाइड नहीं हो रहा है, स्वेलिंग हमारा कम नहीं हो रहा है, उसको आइस थेरेपी सूट नहीं कर रहा है, तब आप हीट थेरेपी में आपको इलेक्ट्रिकल थेरेपी यूज नहीं करना है। जैसे हीटिंग पैड वगैरह नी एरिया पे यूज नहीं करना, उसमें आपको हॉट वाटर फर्मेंटेशन यूज करना है बेसिकली। तो इस कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम उसका रिप्लाई देके एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।